सरकार हमारा विश्वास योगी सरकार हमारा विश्वास योगी सरकार हमारा विश्वास योगी सरकार हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं हमारी मांग हमारी मांग हमारी मांग जी कोई नहीं कोई भी नहीं है सर कोई भी आता है तो सर सिर्फ अपना हम लोगों से फायदा करता चाहता है सर हम लोगों को भी एक राजनीति का मुद्दा बनाना आत्महत्या कर रहे हैं आज एक भ्रष्टाचारियों के शिकार बन रहे हैं हम टूट सरकार के जो कदम हैं वो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप दिखा रहे हैं और आगे भी ऐसे दिखाते रहेंगे सर हम केरला से आए हैं प्रियंशी मेरा नाम है जी SIT जांच निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए ईमानदार लोग ही आगे जाएं इन भ्रष्टाचारियों को हम रहने नहीं देंगे भले अभी तो हम लोग खिल रहे हैं अभी तो थोड़ा सा थोड़े स्तर पे हैं मानते हैं साई के बच्चे दे रहे हैं या पेट के बच्चे जो भी दे रहे हैं लेकिन इस संगठन को बड़ा करके मजबूत करके पूरे भ्रष्टाचारी को नाक में हम दम कर देंगे आज चल रहा है ये 2-4 साल बाद 5 साल बाद चलेगा नहीं इसलिए वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने की कोशिश करें बिल्कुल सर उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि जो है कई राज्यों में प्लस उत्तर प्रदेश में भी अच्छी रही है जी मानते हैं कि कुछ लोग हताश भी हुए हैं लेकिन उन्हें उम्मीद अभी बनाए रखना चाहिए अभी वो हैं अभी अपने पद पे हैं अभी 3-4 अभी उनसे उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है और कर भी रहे हैं हमें दिन प्रतिदिन उनकी ये चीज़ ईमानदारी जो है दिखाई जा रही है उनकी तरफ से हम पूरे सेटिस्फाइड हैं कोई भी यहाँ आता है हम लोगों से फ़ायदा चाहता है हम लोगों को एक राजनीति के मुद्दे के तौर पे यूज किया जा रहा है हम लोगों का एक भाव देख के एक अंतर पीड़ा देख के ये दर्द समझ के कोई नहीं आता है अभी हम अपील करेंगे उनसे हाथ जोड़ के हम बच्चियों का यही अनुरोध है कि किसी तरह से पढ़ लिख के हम लोग ग्रेजुएट हुए हम लोग कैसे हुए वो तो खुद एक जमीनी स्तर से उठे हुए हैं जमीन के पीड़ा का एहसास उनको है इसीलिए उस पीड़ा को आज इतने बड़े स्तर पे पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ें वो छवि दिखनी चाहिए कि जब मैं था छोटा मैं मेरी माँ मेरी बहनें किस तरह रहती थी आज उनसे उन्हीं बहनें उन्हीं उनके पुराने घर की तरह आज हम लोग किसी तरह पढ़ लिख के ये कंपटीशन पास किए ये 3-4 महीने तक दौड़ किए लगातार उसके बाद रिजल्ट आता है कि भर्ती में धांधली हो गई बताइए हमारे मतलब हमारे ऊपर क्या बीतेगी कि पहले कुछ सालों तक वैकेंसी नहीं आती उसका इंतज़ार करना पड़ता है उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो कई सालों तक कई महीनों तक पेपर ही नहीं होता उसका भी इंतज़ार करना पड़ता है पेपर हो जाता है ठीक है हम बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमने मेहनत किया हमारे क्वेश्चन बहुत सही हैं हमारा सिलेक्शन होगा अब बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जब टूटती है ना तो एक बच्चा बिखर जाता है फिर उसके पास संभलने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा जिगरा चाहिए तभी संभल सकता है इसीलिए तो बच्चे जो आज आत्महत्या कर रहे हैं आज एक भ्रष्टाचारियों के शिकार बन रहे हैं हम टूट रहे हैं हमारा देश का युवा टूट रहा है इसीलिए उनसे यही अपील है कि आप जिस तरह से उम्मीद आपके ऊपर हम बच्चा हम छात्र हम युवा लगाया हुआ है आपसे एक उम्मीद जिस तरह से हमें लगी हुई है सभी भ्रष्टाचारियों को एक दो को नहीं आप अपने तरीके से आपका तो खैर बहुत कड़ा कदम होता है तो अपने तरीके से उसे वो करें डील करें और हमें न्याय मिले बस बहुत उम्मीद है कई क्योंकि हमें खुशी होती है जब कई राज्यों के बच्चे कहते हैं कि आपके यहाँ तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ तो ईमानदार नेता है ऐसे नेता मेरे राज्य में होना चाहिए उस समय हम अपनी पीड़ा अंदर की पीड़ा उससे नहीं बता पाते मैं UPSI अभ्यर्थी हूँ और हम लोग 21 अप्रैल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि निष्पक्ष SIT बिठा के इसकी पूरी जाँच करवा दी जाए कि जो भी धांधली हुई है
उनको मतलब बाहर किया जाए और जिन्होंने धांधली की है उनको भी उनका उन्होंने जो गलत किया उसकी सज़ा उनको मिले। और प्रशासन हमारी पूरी सहायता कर रहा है, योगी जी से हमें यही उम्मीद है कि वो हमें हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं सभी अपने साथियों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आएँ। अभी हम लोग 25-30 लोग यहाँ पर रह गए हैं, तो आप यहाँ पर जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी मांगें जल्दी कैसे पूरी होंगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ आएँ, यहाँ पर इको गार्डन में आएँ, हमारा सहयोग करें आप सभी। और वहाँ लाइव देखने से कुछ नहीं होगा और सरकार तक के बात पहुँचने वाली है, पहुँच भी जाएगी। और योगी जी हमारा जो है हमारे साथ न्याय करेंगे और जो भी धांधली हुई है उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम KGF सर है, मैं यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखिएगा मामला ये है कि इन छात्रों को हम सभी ने, जितने भी शिक्षक जगत के लोग हैं सभी ने पढ़ाया, बड़ी उम्मीद से पढ़ाया कि इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। इन्होंने भी मेहनत की जी तोड़, और उस मेहनत के बाद जब परिणाम आया तो उस परिणाम के बाद इन छात्रों के माध्यम से हम सभी को पता चला कि इनके साथ कुछ धांधली हुई है। तो उस धांधली को लेकर के हम इस मंच पर बैठे हुए हैं और सरकार तक आप सभी मीडियाकर्मी भाइयों के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकार कर रही है और हमारे पक्ष में निर्णय भी ले रही है। तो सरकार के जो कदम हैं वो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप दिखा रहे हैं और आगे भी ऐसे दिखाते रहेंगे। तो उम्मीद यही है कि सरकार इसको तेजी दे, जिससे कि ये छात्र जो हैं कई दिनों से जो भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं वो अपना एक सही उद्देश्य लेकर के घर वापस जा सकें।